आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग को निर्देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मसले पर 6 मई तक फैसला लें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की सभाएं, कहा इस समय देश की जरूरत है नरेंद्र मोदी। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा के प्रचार बैन का पहला दिन, मंदिर में किए भजन। इंदौर में शंकर लालवानी की रैली, रीवा में की सीताराम येचुरी ने सभा। और बच्चे का रैप सॉन्ग वायरल, मोदी फिर से आएगा कि मजीद हो। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने आयोग से कहा है कि वो इस मसले पे 6 मई तक फैसला ले। इस मामले में इससे पहले 30 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव के द्वारा याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया था। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दोनों नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई शिकायत पर बिना किसी दबाव निर्णय लेने के लिए चुनाव आयोग को निर्देशित करने की मांग की गई। अपनी याचिका में सांसद ने आरोप लगाया है कि मोदी और शाह नफरत फैलाने वाले भाषण देते हैं और राजनीतिक प्रचार के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ के सामने याचिका का जिक्र करते हुए शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया था। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी इस समय देश की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह देश 70 साल से देख रहा था। शाह राजगढ़ के ब्यावरा में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राजगढ़ के व्यावरा में भाजपा उम्मीदवार रोडमल नागर के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह देश 70 साल से देख रहा था। उन्होंने अपने कार्यकाल में भी एक भी छुट्टी नहीं ली। मोदी मोदी सिर्फ चुनावी नारा नहीं है, मोदी देश की जरूरत है। करोड़ हिंदुस्तानियों का हमारे नेता नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद है, आशीर्वाद। राहुल बाबा एंड कंपनी गरीबों की बात करती, 5-5 पीढ़ी से शासन किया, 55 साल तक शासन किया, मगर आपने इस देश के गरीबों के लिए क्या किया भैया? जरा बताओ राहुल बाबा, ये ब्यावरा की जनता आपसे सुनना था। शाह ने कहा, 2,35,00,000 गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। देश के 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत किसी भी बीमारी पर खर्चा भाजपा की सरकार ने दिलवाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को कमलनाथ सरकार ने रोक लिया है। किसान सम्मान निधि को लेकर कमलनाथ सरकार ने किसानों की सूची केंद्र सरकार को नहीं दी थी। भाजपा से पहले राज्य में बंटाधार की सरकार थी। मध्य प्रदेश को गड्ढों वाली सड़क वाले राज्य के रूप में जाना जाता था। शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें अपने परिवार के विकास के लिए काम करती हैं। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस।
सीबीएसई ने क्लास 12th का परिणाम जारी कर दिया है। इस साल 31 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 83.4% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। पिछली बार यह आंकड़ा 83.1% था। सभी जोन के परिणाम एक साथ जारी किए गए हैं। सबसे अच्छा परिणाम 98.2% त्रिवेंद्रम का रहा। दूसरे नंबर पर चेन्नई जोन रहा, जिसका पास परसेंटेज 92.93 है। तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जिसका परिणाम 91.87% रहा है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th एग्जाम में कुल 31 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। इनमें 12.9 लाख लड़कियां और 18.1 लाख लड़के शामिल थे। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मार दी है। जहां 88.7% लड़कियां पास हुई हैं, वहीं लड़कों के लिए यह आंकड़ा 79.4% रहा है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग ने 72 घंटे के लिए बैन लगा दिया है। गुरुवार सुबह से शुरू हुए इस बैन के दौरान वे कर्फ्यू वाली माता के मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की। इस दौरान वे मंदिर में चल रहे भजन में भी शामिल हुई। इसके बाद वे शहर के गुफा मंदिर और गौशाला भी पहुंची। साध्वी के साथ भाजपा के बड़े नेता भी मौजूद रहे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर 72 घंटे के लिए बैन की ये कार्यवाही शहीद हेमंत करकरे और बाबरी मस्जिद गिराने को लेकर दिए बयान पर की गई है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में इस तरह के बयान का दोहराव ना हो। लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में किसी प्रत्याशी के खिलाफ यह पहली कड़ी कार्यवाही की है। साध्वी प्रज्ञा ने 18 अप्रैल को मुंबई में आतंकी हमले में शहीद ATS चीफ हेमंत करकरे को लेकर अपमानजनक बात कही थी। इसके बाद उन्होंने 20 अप्रैल को बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने को लेकर बयान दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल ने उन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा था। 21 अप्रैल को उन्होंने शहीद हेमंत करकरे को लेकर दिए बयान पर कहा कि मैंने किसी शहीद की शहादत के बारे में अपमानजनक बात नहीं की। मेरे वक्तव्य को एक पंक्ति के आधार पर नहीं देखना चाहिए। मैंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के निर्देश पर मुझे जो यातनाएं दी गई, सिर्फ का उल्लेख किया था जो मेरा अधिकार है। जन भावना का सम्मान करते हुए बयान को वापस भी ले लिया। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सामने बच्चों का चौकीदार चोर है के नारे लगाते और पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अमेठी और रायबरेली के दौरे पर प्रियंका गांधी का यह वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बच्चे कांग्रेस पार्टी के प्रचार वाली कैप लगाए नजर आ रहे हैं। जब बच्चे चौकीदार चोर है का नारा लगाते हैं तो पहले तो प्रियंका हंसते हुए दिखती हैं, लेकिन जब वे मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं तो वह चौंकते हुए उन्हें ऐसा बोलने से मना करती हैं। वे कहती हैं, ये वाला नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छे बच्चे बनो। उसके बाद बच्चे चुप हो जाते हैं और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। राहुल गांधी
भले ही प्रियंका ने पीएम मोदी के लिए गलत शब्द के प्रयोग करने से बच्चों को हतोत्साहित किया, लेकिन अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी गुस्सा हैं और उन्होंने प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। स्मृति ने अधूरी क्लिप शेयर करते हुए लिखा, पूरी तरह से असभ्य, कल्पना कर सकते हैं कि जिनकी लोकप्रियता वंशवाद है उन लोगों प्रधानमंत्री को अपशब्द सुनने पड़ रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चौकीदार चोर है वाले अपने बयान पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष के खेद जताने के तरीके पर काफी नाराजगी जताई थी और उन्हें फटकारा था। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने रीवा में कहा, यह चुनाव तय करेगा कि देश की दशा क्या होगी, क्योंकि देश में जात और धर्म के नाम पर जो हो रहा है यह तय करेगा कि देश धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। पदमधर पार्क में एक चुनावी सभा को सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने संबोधित किया। येचुरी केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, ये चुनाव कुछ अलग है, ये देश की दशा तय करेगा। येचुरी ने रोजगार, काला धन और चौकीदार जैसे तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखते हुए रीवा से कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को जितवाने की अपील की। इंसान और इंसान के बीच में दायरा खड़ा कर अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए वही विचारधारा और वही परंपरा और उसी संस्कृति को ध्वस्त करने पर लगी। तो इसलिए आज जब रीवा हम आ रहे हैं, ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य, ये चुनाव आज हम समझते हैं कि अपने भारत की वर्तमान इतिहास में आज़ादी के बाद ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजों के ऊपर निर्भर करेगा क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य के रूप में बच पाएगा कि नहीं। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। इंदौर लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी के रोड शो में विधायक और महापौर मालनी गौड़ ने अजहर मसूद को राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और कहा, देश को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। इंदौर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने भाजपा की अयोध्या कहे जाने वाले विधानसभा क्रमांक 4 में जनसंपर्क किया। यहां बीजेपी को लेकर लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। शंकर लालवानी ने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा और बोले, अगर देश को बचाना है तो मोदी को जिताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सालों में देश के लिए विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर काम किया है और यह विकास आगे भी होता रहे, इसके लिए आप सभी को भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना ही होगा। एक और राष्ट्र की बात करने वाले और राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले हमारे नेता मोदी जी हैं, तो दूसरी ओर आतंकवाद को और कश्मीर में सेना हटाने के लिए अपने घोषणा पत्र में करने वाले नेता राहुल गांधी जी हैं। बंधु, हमारे पास एक ऐसा नेता है जिससे भारत को विश्व में एक ऊंचे स्थान पर स्थान मिला है, और दूसरी ओर ये जो ठगबंधन है 17 दलों का, इनसे अगर पूछा जाए कि आपका नेता कौन है, आपका प्रधानमंत्री प्रत्याशी कौन है, तो एक दिन एक प्रत्याशी रहता है, दूसरे दिन दूसरा रहता है, तीसरे दिन तीसरा रहता है, इनके पास कोई भी प्रधानमंत्री के रूप में कोई भी नेता नहीं है। मजहर मसूद अजहर, जिसको इंटरनेशनल आतंकी घोषित करवाने में माननीय मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, हमारा जो सैटेलाइट जो छोड़ा है उसमें हमारा देश 4th नंबर पर आया है, विश्व में एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत उभरा है, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमको फिर से स्थापित करना है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय,
मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिल्म गीतकार और शायर जावेद अख्तर गुरुवार को भोपाल पहुंचे। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेताओं को आड़े हाथों लिया। भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें चुनाव मैदान में उतार कर खुद की हार स्वीकार कर ली है। साध्वी के श्राप से एक देशभक्त ऑफिसर शहीद हो सकता है, तो ऐसे श्राप को नेशनल वाइज इस्तेमाल करना चाहिए। मैं मोदी जी को ये सुझाव दूंगा कि उनके श्राप को हाफिज सईद और दूसरे आतंकियों पर इस्तेमाल करना चाहिए। जावेद ने यह भी कहा कि मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखता और चौकीदार चोर है इस तरह का भाषा का भी समर्थन नहीं करता। जावेद अख्तर ने कहा कि भाजपा ने शायद मजबूरी में साध्वी प्रज्ञा को भोपाल सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने भाजपा की राज पर, लोकतंत्र पर सवाल उठाए। भाजपा की यह विचारधारा है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम एंटी नेशनल हो। कई मोदी आएंगे और चले जाएंगे, देश है और रहेगा। जावेद अख्तर ने देश में बुर्के पर बैन को लेकर विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि बुर्के के साथ सरकार राजस्थान में घूंघट पर भी प्रतिबंध लगाए। हमारे जो अभी सीएम थे उनकी सरकार में भी थी, उनमें भी वो चाहिए तो चालू कर और आप ये उम्मीद करेंगे कि इस शहर का, भोपाल शहर का नागरिक उसे वोट देगा? तो प्रज्ञा कौन है वो तो छोड़ो, आपकी राय भोपाल के आदमियों के बारे में क्या है? जावेद अख्तर ने बीजेपी सरकार की प्रशंसा भी की और रॉयल्टी बिल की चर्चा भी की। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि बीजेपी में अच्छे लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा रॉयल्टी का बिल बिना बीजेपी के पास नहीं हो सकता था, उससे गीतकार संगीतकारों को भी लाभ हुआ है। कि हिंदुस्तान में जो हमारे कॉपीराइट का बिल पास हुआ है, जिसकी वजह से इस देश का हर राइटर, इस देश का हर कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिशियन सेव हो गया है। और आज 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर यह हाल हो गया है कि जिन लोगों को 5,000 रुपये महीना रॉयल्टी नहीं मिल पाती थी, उसको 50,000, 60,000, 80,000 रुपये 1.5 साल के आम म्यूजिशियन। ये बिल पास नहीं हो सकता था बिना बीजेपी के हेल्प। उन्होंने कहा मेरा 4.5 साल का समय भोपाल में बीता है, मेरा बाल बाल भोपाल का कर्जदार है। 2019 का चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है। ये चुनाव एक दोराहा है, जिस रास्ते पर देश जाएगा वो बहुत लंबा होगा। ये चुनाव तय करेगा कि मुल्क किस रास्ते पर जा रहा है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। लड़की ने छेड़छाड़ से परेशान होकर एक मनचले के बीच सड़क पर जमकर धुनाई कर दी। लड़की का आरोप है कि यह लड़का रोज गंदे मैसेज करता था, जबरदस्ती मिलने बुलाता था। आज मैं इसको सबक सिखाना चाहती थी। विशाल मेगामार्ट के सामने जोन 1 में मनचले की धुनाई का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल मनचले को पुलिस थाने ले गई है। नारी अब अबला नहीं है और मनचलों की अब खैर भी नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक लड़की बीच सड़क पर एक मनचले की जमकर धुलाई कर रही है। कैसे ये लड़की बेल्ट से इस मनचले पर वार कर रही है, एक के बाद एक, कई वार करने के बाद वो कहती है मुझे ऐसे बोलेगा। आप देख सकते हैं कि कितना आक्रोश है इस लड़की में। हो भी क्यों ना, रोज रोज छेड़छाड़ और गंदे मैसेज करके इस लड़के ने लड़की का जीना भी तो मुश्किल कर दिया था।
मगर हैरानी की बात यह है कि जो महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध बढ़ने के बाद भी जनता सबक नहीं सीखती और दर्शक बनी देखती है, किसी ने भी इस मनचले के खिलाफ इस लड़की का साथ देना सही नहीं समझा। शायद इसलिए कि यह किसी के परिवार की बिटिया नहीं थी, बस मुस्कुराते हुए लोग आपको मोबाइल से वीडियो बनाते दिख रहे हैं। सवाल यही है, कब तक मूक दर्शक बने देखते रहेंगे? कल आपके परिवार की बेटी भी हो सकती है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। भोपाल में अपराध करने वालों को पुलिस का खौफ ही नहीं है। अवधपुरी इलाके में बीती रात एक युवक ने डीएसपी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारा मौके से फरार हो गया, जिसे बाद में विदिशा से भागते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी की मां हवलदार है और आरोपी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। भोपाल में अब अपराधी मनमानी पर उतर आए हैं। पुलिस मुख्यालय में पदस्थ डीएसपी गोरेलाल अहिरवार अवधपुरी में परिवार के साथ रहते थे। बीती शाम डीएसपी अहिरवार शाम करीब 7 बजे अपने घर पर थे। इस दौरान उनका पारिवारिक मित्र हिमांशु प्रताप सिंह उनके घर पहुंचा। किसी मुद्दे पर हिमांशु का उनसे विवाद हो गया। हिमांशु पहले कमरे से निकलकर बाहर गेट तक पहुंचा और बढ़ा। इसके बाद उसने पिस्टल निकाल कर डीएसपी अहिरवार को गोली मार दी। गोली उनके पेट में लगी। परिजन उन्हें लेकर अरेरा कॉलोनी स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर ने जांच के बाद डीएसपी को मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद हिमांशु मौके से फरार हो गया। हिमांशु नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन में रहता है। उसकी मां अर्चना सिंह साइबर सेल में हवलदार है। हिमांशु कांग्रेस से जुड़ा बताया जा रहा है। वारदात के बाद हिमांशु मौके से फरार भी है। इस घटना के बाद हमेशा की तरह पुलिस के आला अधिकारी अपने बंगलों से निकले, कुछ अस्पताल पहुंचे तो कुछ डीएसपी के घर का मुआयना करने निकले। हत्या का आरोपी भोपाल से विदिशा की तरफ भागा, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक हिमांशु घटना को अंजाम देने के बाद सफेद रंग की कार से फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि वह जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव और प्रॉपर्टी के विवाद में उसने डीएसपी को गोली मार दी थी। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। भोपाल के संत हिरदाराम नगर में एक फटाका सेंटर में अचानक आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। संत हिरदाराम नगर के हलालपुरा पटाखा बाजार में एक दुकान में अचानक आग लग गई। आग सोनी पटाखा बाजार के सेंटर में लगी, जहां पटाखों के खाली खोखों में आग लगी थी। आग लगने से पूरे पटाखे को खोखे जलकर खाक हो गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। अगर आग विकराल रूप ले लेती तो पास में बनी पटाखे की दुकान के साथ पेट्रोल पंप एवं रहवासी क्षेत्र में भी आग फैल सकती थी। बताया जा रहा है कि जरा सा और समय लगता तो दुकान में रखे फटाखे भी आग लग सकती थी। सोनी पटाखा सेंटर के संचालक से जब आग के बारे में पूछा गया तो उसने कुछ भी बोलने से मना कर दिया और कवरेज करने से रोकने लगा। गौरतलब है कि हलालपुरा पटाखा बाजार के पास लगभग 30 से 40 पटाखों की दुकानें संचालित हो रही हैं। दिवाली के समय यहां सुरक्षा को लेकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात रहती है। दिवाली के बाद कोई व्यवस्था फायर ब्रिगेड की भी नहीं रहती है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खजुराहो भाजपा प्रत्याशी बीडी शर्मा सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। बीडी शर्मा अपने प्रचार अभियान पर कटनी जा रहे थे, तभी उनका वाहन एक मवेशी को बचाने में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
खजुराहो से बीजेपी प्रत्याशी बीडी शर्मा सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। पन्ना से कटनी जाते वक्त अमानगंज के समीप ये हादसा हुआ। जानवर को बचाने के चक्कर में उनका वाहन पलट गया। वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और बीडी शर्मा के हाथ में चोट लगी। शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा की तैयारियों का जायजा लेने जा रहे थे। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। भीषण गर्मी के इस दौर में चलती गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं आम बात हो गई है। छतरपुर में भी एक चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। छतरपुर के सिविल लाइन थाना के धरारी में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगते ही ट्रक धू धू करके जलने लगा। जलते ट्रक से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद एक घंटे तक फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची और शक्कर से भरा ट्रक जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारण ट्रक में शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस सख्ती से चेकिंग कर रही है। आष्टा पुलिस ने एक टू व्हीलर चालक को रोका। उसके नहीं रुकने पर पुलिस को उस पर शक हुआ। पुलिस ने पीछा करके उसे पकड़कर पूछताछ की तो पता चला कि वो एक शातिर वाहन चोर है। आष्टा में चेकिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसने कई गाड़ियां चुराना कबूल किया। पुलिस ने तुरंत ही बुलेरो जीप एक बाइक व एक्टिवा शातिर चोर से बरामद भी कर ली। पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान आष्टा पुलिस ने कन्नौद रोड रिछारिया के पास टू व्हीलर चालक के नहीं रुकने पर पुलिस को शक हुआ तो उसका पीछा कर पूछताछ की गई। आरोपी देवी सिंह पिता सलमा सिसोदिया कंजर पीपल रावा का रहने वाला है। उसने बाइक सहित चार पहिया वाहन भी चोरी करना कबूला। साथ ही आष्टा से चोरी की गई एक बुलेरो जीप एक बाइक व एक्टिवा बरामद करवाई। आरोपी देवी सिंह कंजर पुलिस रिमांड पर है और उससे पूछताछ की जा रही है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। चुनाव की उबाऊ बहसों और बेसिर पैर की बातों के बीच सोशल मीडिया पर एक बच्चे का रैप जमकर वायरल हो रहा है। इसमें बच्चा मोदी फिर से आएगा के जरिए मोदी का बखान कर रहा है। सोशल मीडिया पे एक तरफ जहां जमकर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है, इसी बीच इन दिनों एक बच्चे द्वारा रैप में गाया हुआ गाना भी जमकर वायरल हो रहा है। इस बच्चे ने रैप में गाकर बताया कि मोदी फिर से आएगा। इस वीडियो में वायरल होते ही इस पर बॉलीवुड से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मोदी फिर से नहीं आएगा, कौन बोला? अरे हम बोला मोदी फिर से आएगा, खाया है ना खाएगा, देश को बचाएगा, फिर से मोदी आएगा, फिर से मोदी आएगा। क्यों? क्योंकि देश की आन मोदी, देश की आसान मोदी, गरीबों की जान मोदी, हीरो की अखान मोदी, आंधी में तूफान मोदी, गुरुओं की वाणी मोदी, गंगा का है पानी मोदी, राणा की कहानी मोदी, सिवा की जमानी मोदी, सेठ की दहार मोदी, सबको पहचान मोदी, सबसे आगे आएगा। वीडियो वायरल में बच्चा जिस तरह से मोदी के सपोर्ट में रैप गा रहा है वो काफी दिलचस्प है। यह वीडियो पूरी तरह से मोदी पर आधारित है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद निर्माता अशोक पंडित द्वारा इस वीडियो के अपने ट्विटर अकाउंट पर डाल दिया है। इसके जरिए उन्हें सपा नेता जया बच्चन पर भी निशाना साधा है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको बहरन समाचार। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। नमस्कार, बहरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूं। मैं हूं जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, इस समय तो नेताओं को जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। दिन में शोक सभाओं में जाते हैं, रात में शादियों में जाते हैं, दिन में आंसू बहाते हैं, रात में ठाके लगाते हैं। बताओ, ये ऐसी एक्टिंग करना पड़ती है, बहुत ही एक्टर बनना पड़ता है बता रहा चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, एक वो आजम खान है जो यूपी के, वो कुछ भी बकते रहते हैं। इस बार उन्होंने चुनाव अधिकारियों पे ही वो दबिश डाल दी। बताओ, उन पे 48 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया चुनाव आयोग ने। 48 घंटे मुंह नहीं खोल सकते। मैं बता रहा हूँ, आचार संहिता को है ना, ये नेता लोग आचार संहिता समझ रहे हैं, आचार बना के रख दिया बता रहा हूँ। हाँ, ऐसा तो चल रहा है। और ये खबर इधर से आ रही है, देखो ये जो एती है ना, हिमानव, उसके भारतीय सेना ने वो उसके निशान पाए हैं बर्फ पे, उसके पांव दिखे उनको जाते हुए, वो उन्होंने रिकॉर्ड करके लाए। और इस पर भी राजनीति शुरू कर दी लोगों ने। बता, वो तरुण विजय कह रहे हैं उनको उनको जानवर नहीं बोलना चाहिए। अरे माना भाई, ठीक है माना। और वो दूसरे है उमर अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं कि भाजपा है ना हिम माना को है ना चुनाव में उसका फायदा उठाएगी। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा है क्या, हर चीज़ को मतलब पॉलिटिक्स करना जरूरी है। और एक खबर ये देख लो, शिवसेना ने है ना बुरके पर प्रतिबंध लगाने की मांग करी है, प्रज्ञा भारती ने इसका समर्थन कर दिया है। और मैं कह रहा हूँ ये तो मांग ये सब ठीक है,
लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ये जो नेता लोग हैं इनकी जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर जो बुरका डला हुआ है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और बताते कुछ और हैं। हाँ बता नहीं, ऐसा चल रहा है। और एक हमारे ये बड़े उद्योगपति हैं नेस बाड़िया साहब, इनने हमारी नाक कटवा दी जापान में जाकर, छुट्टियाँ मनाने गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर क्या है इनके पास ड्रग्स वगैरह पकड़ा गया। अरे मैं कह रहा हूँ ड्रग्स वगैरह लेना है घर पर ही ले लो ना, वहाँ क्यों जा रहे हो इतनी दूर? ऐसा दिमाग खराब हो रहा है। ये खबर ये थोड़ी सी अच्छी खबर है बता रही हूँ। तो चाइना आप क्या है मसूद अजहर पे जो प्रतिबंध लगाने का थोड़ा सा मन मन बन गया है इनका। मैं कह रहा हूँ बना लो मन, जब धमाके होंगे ना बम धमाके तब समझ में आ जाएगा क्या होता है आतंकवाद। हम लोग है ना बरसों से भुगत रहे, हम जानते हैं। और ये बेकार खबर हो रही है बता रहा हूँ भोपाल से। भोपाल ये बच्ची है कोचिंग से गायब हो गई, बताओ उसके साथ बलात्कार वगैरह हुआ है, उसकी हत्या हो गई। और मैं कह रहा हूँ पुलिस के पता नहीं क्या करती रहती है और प्रशासन क्या कर रहा है मेरे को पता नहीं। मैं ऐसे लोग जाहिल लोग कैसे ये काम कर लेते हैं बता रहा हूँ। मैं तो मतलब इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए सीधी। और मैं चला मेरा दिमाग खराब हो गया, फांसी का फंदा बनवाने जा रही हूँ। नमस्कार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।